हमारा जो ससुर जी है इसके पिताजी वो आर्मी में था, 2003 में रिटायर्ड किए, घर बार बहुत अच्छा है और रिटायर्ड आर्मी का बेटी। हम मैंने बोला हम तो गाड़ी चलाते हैं और मेरा घर भी नहीं है, बोला चलो ना कोई बात नहीं। उसके बाद भाग के शादी किया। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं 12। 12 और आप? हम ग्रेजुएशन किए, बीए पास किए। हाँ, ग्रेजुएशन करके आप ट्रक ड्राइविंग करते हैं। घर के बहू हैं, यानी गांव समाज में आप बहू ही हैं, तो इस सड़क पर डांस करती है तो लोग आस पड़ोस वाले देखते हैं तो क्या कमेंट करते हैं आपके ऊपर? हाँ, आसपास लोग अनेक ही प्रथम प्रथम खराब कथा बोलते, जे ग्रामेर बहू हुए घरेर बहू हुए रास्तार मध्ये नाच करे बेड़ा छी छी को। आपका जो है पेज काफी सारे है, उसमें कौन सा आपका ओरिजिनल है? देखो मैं मेन बात यही बोलना चाहता हूँ दादा के जो चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक में कोई भी पेज नहीं है। सब जितना भी पेज है, 1-5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, सब पेज फेक। यूट्यूब से कितना अर्निंग हो जाता है? एक आईफोन 15-16 प्रो मैक्स बन जाएगा पर मंथ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपका शादी हो चुका है और शादी कब हुआ है? 7 साल। 7 साल आपका हो चुका है शादी का? हाँ हाँ। और 4 इयर्स की एक बेटी है मेरे। अच्छा 4 साल की आपकी बेटी भी है। हाँ, हाँ, हाँ। आपका शादी किस तरह से हुआ था? मेरे सारी भाग के हुआ था। क्योंकि मैं प्यार में लव मैरिज भाग के हुआ था शादी। हाँ। हम लोग पहचान था। हाँ। थोड़ा सा इधर से 4 किलोमीटर दूर मेरे ससुर जी का घर है। अच्छा। तो मैंने प्रपोज किया था, उसके बाद 1-2 महीना बहुत घुमाया। हाँ। घुमाने के बाद राजी हुआ, उसके बाद लव चलता रहे। आगे उन्होंने बोला मेरे से शादी करोगे? तो मैंने बोला हाँ करूंगी। हाँ। तो मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मेरे घर भी नहीं है। हाँ। और इसके हमारा जो ससुर जी है इसके पिताजी वो आर्मी में था। हाँ। 2003 में रिटायर्ड किए, घर बार बहुत अच्छा है और रिटायर्ड आर्मी का बेटी। हम मैंने बोला हम तो गाड़ी चलाते हैं और मेरा घर भी नहीं है, बोला चलो ना कोई बात नहीं। उसके बाद भाग के शादी किया। हाँ। मेरे ससुर जी नहीं माना, पहले पुलिस भी केस नहीं किए। और उसके बाद हम लोगों को बोला शादी होगा रोकेंगे नहीं, लेकिन हम लोग मानेंगे भी नहीं। हाँ। उसके बाद 2-3 साल के बाद अभी मान लिया, आते हैं जाते हैं। हाँ, मतलब पहले अब आप भगा के शादी किए थे तो उस वक्त काफी नाराज थे, गुस्सा हो गए थे। हाँ, हाँ, कि हमारी बेटी को लेकर भाग गए हैं। हाँ, 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 छोटी बेटी थी। हाँ, इसके एक बड़ा था, उससे पहले हम शादी कर लिए। अच्छा। इसीलिए थोड़ा नाराज थे हम। हाँ, हमारे ऊपर। अच्छा, तो ये आपको जैसे बताया कि प्रपोज हम पहले किए थे, तो कैसे कहाँ मुलाकात हुआ? बांग्ला में ही बोल दीजिए। कैसे मतलब इनसे मुलाकात हुआ कि आप दोनों का जो है प्यार जुड़ गया? আমি ফার্স্ট একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স প্রোগ্রাম করতাম। হ্যাঁ। তো সেখানেই আমি যেতাম আর ও গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ। তো ওখান থেকে আমাদের প্রথম দেখা, প্রথম শুরু হয়। হ্যাঁ। এইভাবেই আর কি আমাদের দেখা শোনা, ফোন নাম্বার নেওয়া, কথা বলা। হুম হুম। এটাই। দেখি ইনকা কহনা হ্যায় কি ইয়ে ডান্স প্রোগ্রাম করতি থি। হ্যাঁ। তো ডান্স প্রোগ্রাম ডান্স দুর্গা পূজা কালী পূজা মে জাইসে হোতা হ্যায় না, ছোটা ছোটা স্টেজ মে গাঁও মে উসমে নাচতি থি, থোড়া টিভি অর থোড়া सीखा था छोटे उम्र में, थोड़ा डांस क्लासिकल सीखा था। यानी ये बचपन से ही डांस करती, डांस करना इनका शौक था। शौक मैंने अच्छे लगता था डांस। टीवी है ना। हाँ हाँ। टीवी जे गान होय ओई गान देखे खाटेर उपरे नाचतम। हाँ, यानी डांस में काफी आपको इंटरेस्ट था। हाँ हाँ हाँ। তারপরে আমার মা ঠিক করলো কি গ্রামে যে অনুষ্ঠান হয় না দুর্গাপূজো, তো ওখানে স্টেজ হয় গ্রামের মধ্যে নিজেদের গ্রামে, তো ওখানে আমার নাম দিয়েছিল, আমি নাচ করেছিলাম, ভালো লেগেছিল। এ বল রহে কি ছোটে সে টিভি মে নাচ ড্যান্স দেখতে থে বহুত আচ্ছা লাগতা, খাট মে নাচনে লাগতি থি। তো মেরে শাশু মা उन्होंने एक छोटा सा क्लास में, गांव में एक क्लास था, उसमें एडमिशन दे दिया। तो सीखा था। और जो काली पूजा दुर्गा पूजा का जो त्यौहार होता है उसमें जो स्टेज रहता है उधर 1-2 बार परफॉर्म करी थी, वैसे ही। हाँ, आगे बढ़ा। उसी तरह पूरा डांस प्रोग्राम कर रही थी। तो आप ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर चलाते हुए आप भी देखने गए थे प्रोग्राम? इसमें एक राज है, क्योंकि मेरा दोस्त एक मारुति था उसके अंदर पास, वो इन सब लोग लड़कियों को लेकर जाते थे, लड़की जाते थे, उसके माता जाते, मेरे बहू जाते थे, मेरे सासू माँ जाते थे। तो मैंने बोला देख मैं भी तो गाड़ी चलाता हूँ, तेरे गाड़ी लेकर मैं जाऊँगा उधर, डांस भी देखेंगे, घूमेंगे। तो बोला ठीक है जा मेरे गाड़ी लेकर। तो मेरे को 50 रुपये दिया था सलाड़ी मेरे को, मतलब बोले ठीक है वो चल जाएगा। हम लोग गए थे, देख कर अच्छा लगा। उसके बाद इसको प्रपोज किया। 2-3 महीना लगा घुमाया, उसके बाद राजी हो गया। तो देख सकते हैं इन दोनों का लव स्टोरी किस तरह से बना है। और बनने के बाद जो है प्यार हुआ, फिर शादी भी हो चुका, शादी होने के बाद बच्चा भी हो गया
और पति पत्नी भी बन गए। हालांकि पति जो है पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और पत्नी जो है काफ़ी बचपन से ही डांस किया करती थी। आप अभी भी क्या ट्रक ड्राइवर चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं या फिर छोड़ दिए हैं? नहीं, मेरे बीवी बोला देखो जो अब मैं कमाई होने लगी तो हम लोग हमारा घर चल जाएगा। गाड़ी का जो ड्राइविंग का काम है वो बहुत रिस्क है, अब मत जाओ, घर में रहो, हमारा चैनल को देखो, कौन सी वीडियो अच्छा है वो छोड़ने के लिए आप रहो घर में और काम नहीं करने जाओ। इसीलिए हम काम नहीं करते, हम घर में रहते हैं। यानी पब्लिक का जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने लगा, पैसा भी आने लगा, तो कही कि आप ट्रक ड्राइवर छोड़ दीजिए, क्यों इतना ऑल इंडिया ओवर घूमते रहिएगा, मेहनत करिएगा, उससे अच्छा पढ़े लिखे हैं तो आप चैनल मैनेज कीजिए, डांस कीजिए, काफ़ी दो लोग करेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना? आप कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं 12। और आप? हम ग्रेजुएशन किए, बीए पास किए। ग्रेजुएशन करके आप ट्रक ड्राइविंग करते? मैं जब क्लास 9 में था तब से मैं छोटा छोटा गाड़ी में हेल्परी करते थे। जब मैंने माध्यमिक का एग्जाम दिया 2009 में, उसके बाद ही 2010-11 से हम लाइसेंस बना लिया। 2011 साल में मैंने लाइसेंस बना लिया, उसके बाद 407 छोटा 709 ऐसे गाड़ी चलाते थे। उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ा गाड़ी में गए, पढ़ाई भी करते थे, गाड़ी भी चलाते थे। अच्छा, पढ़ाई भी करते थे, गाड़ी भी चलाते थे। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल जो कंडीशन वो बहुत खराब है, इसीलिए गाड़ी भी चलाता था, पढ़ाई भी करते थे। और ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अच्छा। बहुत। मैंने ट्यूशन कभी नहीं लिया, मैं घर में ही पढ़ता था और गाड़ी भी चलाते थे, वैसे ही आगे बढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहा जाए तो घर के बहू है, यानी गाँव समाज में आप बहू ही है, तो इस सड़क पर डांस करती है तो लोग आस पड़ोस वाले देखते हैं तो क्या कमेंट करते हैं आपके ऊपर? हाँ, आसपासের লোক অনেকেই প্রথম প্রথম খারাপ কথা বলতো যে গ্রামের বউ হয়ে ঘরের বউ হয়ে রাস্তার মধ্যে নাচ করে বেড়ায়, ছি ছি করতো। তো আমার শ্বশুরজি ফাদার ইন ল, উনি বহুত সাপোর্ট করেছে, দেখবে প্রায় ভিডিওই পেছনেই ঘুরে বেড়ায় উনি। তো ওনার সাপোর্টের জন্যই কেউ কিছু বলতে পারে না, যে বাড়ির লোকের যখন কোনো প্রবলেম নেই আমাদের প্রবলেম হয়ে কি হবে, এটাই আর কি। এ বল রয়া কে এই গাঁও মে তো গাঁও কা বউ হে, দূসরে লোক বলতে কে দেখো এইসে করতে হে গাঁও কা ইয়ে ঘর কে বউ কই নাস্তা হে, ऐसे बोलते हैं। ये गांव में है, ये कोई सोचने का बात नहीं है। अगर दूसरे कोई करते तो मैं भी बोल सकते थे। तो मेरे पिताजी जो इनका ससुर जी मेरे पिताजी है, बहुत सपोर्ट करते, बोलते आप नाचो, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, कोई कुछ बोलेगा तो हम देख लेंगे। उसके बाद गांव का लोग अभी सोचते हैं कि देखो इनका ससुर जी, इनके हस्बैंड सब लोग तो सपोर्ट करते हैं, तो हम गाँव वाला हम क्या बोला, हमको हमका बात नहीं लेंगे, कानों में नहीं लेंगे, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलते। हाँ, कमेंट में एक दो गाली आते, हम लोग कोई माइंड नहीं करते, उनका देने का हक है गाली। अच्छा, अभी तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, आपको 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। कितना लोग आते हैं दिन में फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए? बहुत लोग। हाँ, बाहर एक तो बेरोते ही पारी ना, बहुत मैंने प्रचुर मानुषर भालोबाशा, प्रचुर मानुषर भालोबाशा তো আছেই ভিডিও, মানে ছবি তোলার জন্য কোথাও গেলেই দিদি একটা ছবি দাও, এটার জন্য আমার খুব ভালো লাগে। যে সেলফি লেনে আতে হ্যায় তো কেসা লাগতা হ্যায় উস ওয়াক্ত? বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। হ্যাঁ, কি হাম ভাইরাল হো গয়ে হ্যায়, লোক হামে মেরে সে সেলফি লেনা চাহতে হ্যায়, এক রিল বানানা চাহতে হ্যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটার জন্য তো আসেই মানুষ রিলস বানায়। তো আমি কাউকে বারণ করি না, আমি আমার সাধ্য মতো করার চেষ্টা করি, এটাই বলি যে আমিও তো ভিডিও করি, আমি একটু ভিডিও করে নেই, তোমরা একটু বসো, তারপরে আমি তোমাদের ভিডিও এ করছি। ये बोल रहे हैं कि दूसरे बहुत लोग आते हैं, सेल्फी तो बाहर निकलते ही है, 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो वह दीदी मेरे से एक सेल्फी ले लो, सेल्फी ले, तो बहुत खुश रहते हैं उस वक्त। और यहाँ पर रील बनाने के लिए भी आते हैं, दीदी मेरे से एक रील बनाओ, तो उन सब लोगों को बोलते हैं देखो मेरे रील बनने दो, ये तो यही मेरा रोजी रोटी है, यही मेरा मेन रोजी रोटी, तो मेरे रील बनने के बाद आप मेरे से बनाओ। अभी आपका यूट्यूब से कितना अर्निंग हो जाता है? एक आईफोन 15-16 प्रो मैक्स बन जाएगा पर मंथ। हाँ हाँ, आते हैं। यानी देख सकते हैं एक गांव की पत्नी डांस करके और शॉर्ट वीडियो पर नाच नाच के रील बनाती है, और रील बना के इनका इनकम जान सकते हैं महीने का जो है 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो हर महीने जो है ये ले सकते हैं, है ना? आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और फेसबुक पर आपका जो है पेज काफ़ी सारे हैं, उसमें कौन सा आपका ओरिजिनल है? देखो मैं मेन बात यही बोलना चाहता हूँ दादा के जो चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक में कोई भी पेज नहीं है। सब जितना भी पेज है, 1-5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सब पेज फेक पेज है। यानी फेसबुक पर जितना भी पेज बना हुआ है इनके नाम से सारा फेक है। हमारे सिर्फ एक ही चैनल है यूट्यूब पे अपराजिता ऑफिशियल करके, ठीक है जी। उसके बाद
फेसबुक में कोई भी आईडी नहीं है, ठीक है। हम लोग फेसबुक, मेरे भी फेसबुक आईडी नहीं है, पेज नहीं, मेरे बीबी का भी नहीं है, सब फेक पेज है। आप लोग रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो डाल रहे हैं, मेरे वीडियो मत डालिए, मैं तो नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूँगी, साइबर पुलिस के पास जाऊँगी, ठीक है। और आज दादा आए, दादा एक फेसबुक पेज क्रिएट करके दे रहे हैं, ये जो फेसबुक पेज के जो लिंक है इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पेज का नाम भी बता दीजिए। पेज का नाम है अपराजिता की दुनिया, अपराजिता की दुनिया, एक फॉलोअर है, आज ही दादा ओपन करके दिया है अभी, ठीक है। इस चैनल को आप फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब के लिंक में, यूट्यूब में भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आना है। हाँ। दूसरा सब फेक पेज है, फेक पेज से मेरे वीडियो मत देखिए। तो देखिए, हमने इनसे बहुत सारे बातें किया और इनसे जानने का भी प्रयास किया कि इनके फेसबुक पर कौन सा ओरिजिनल पेज है। तो इन्होंने बताया कि इनका फेसबुक पर कोई भी ओरिजिनल पेज नहीं है, जितना भी पेज है सारे पेज जो है फेक है। बाकी इनका एक ही यूट्यूब चैनल है जो कि 4 मिलियन प्लस उस पर सब्सक्राइबर है, जो कि ओरिजिनल एक यूट्यूब चैनल है। बाकी हम आज आए हैं और इनका पेज बन चुका है अपराजिता की दुनिया, जो कि ओरिजिनल इनका पेज होगा। इनके यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देखिएगा, लिंक रहेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। बाकी इन्होंने कहा कि जो लोग भी कॉपी करते हैं हमारे वीडियो के, वो कॉपी करना छोड़ दे, ताकि आप जो है आप कॉपी कीजिएगा तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, या फिर हम आ चुके हैं तो यदि आप इनका वीडियो कॉपी करते हैं तो हो सकता है, हमें बोले हैं कि आप थोड़ा हेल्प कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप सभी को पता होगा कि हम किसी को हेल्प करते हैं तो अच्छे से हेल्प करते हैं, यदि कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसको गलत तरीके से हम संभालते हैं। तो आप इनका वीडियो कॉपी कीजिएगा तो हो सकता है आपके पेज पर स्ट्राइक भी जा सकता है। बाकी हम इनके पास आज बंगाल में आए हुए हैं और इनके घर पर आए हुए हैं इनको दिखाने के लिए और इनके बारे में आप सभी को बताने के लिए। बाकी हमने अपने वीडियो में सारी चीज़ कवर किया है इनको लेकर और आप सभी को दिखाया है। बाकी इनका इंटरव्यू देखने के बाद कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।